हे दोस्तों, तोहफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं कुछ नई क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में जिन्हें अभी हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है। पिछले कुछ दिनों में कई जबरदस्त वेब सीरीज देखने को मिली हैं। इन सीरीज में एक अच्छी कहानी के साथ क्राइम, सस्पेंस, थ्रिल और थोड़ा बहुत एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो आज हम इन्हीं वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं न्यू रिलीज क्राइम थ्रिलर सीरीज के बारे में। क्राइम स्पॉट पे पवित्र चैटर्जी का कैंपेन पोस्ट और महाभारत के कॉमिक स्ट्रिप का एक पन्ना मिला। नंबर 5, मासूम। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई ये सीरीज एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी बलराज के इर्द गिर्द बुनी गई है। बोमन ईरानी यानी कि बलराज के वाइफ की डेथ हो जाती है। उनकी छोटी बेटी सना को लगने लगता है कि उसकी माँ की मौत के पीछे उसके बाप का हाथ है। तो सना ये पता लगाने की कोशिश करती है कि उसकी माँ की मौत कैसे हुई। कहानी आगे बढ़ती है और बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो क्या सही में बलराज ने अपनी वाइफ का मर्डर किया है, ये आपको सीरीज देखने पर ही पता चलेगा। दिक्कत यह है कि 6 एपिसोड की ये सीरीज काफी ज्यादा स्लो है, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इस स्लो क्राइम थ्रिलर सीरीज को देख सकते हैं। ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर अवेलेबल है। मम्मी अकेले क्यों थे, पापा कहाँ थे? लगता है कि मैंने। नंबर 4, सी सीजन 2। क्राइम ड्रामा सीरीज सी सीजन 2 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है। पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था जहां इस सीरीज को मिक्स रिव्यू मिले थे, लेकिन सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज की कहानी कांस्टेबल भूमिका परदेसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक मामूली सी कांस्टेबल जिसे एक बड़े ड्रग लॉर्ड को फंसाने के लिए अंडरकवर मिशन पर भेजा जाता है। तो इसी पहले सीजन की कहानी को अब दूसरे सीजन में भी कंटिन्यू किया गया है। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पहले सीजन के मुकाबले ये दूसरा सीजन काफी अच्छा है। जिस तरह से भूमि नायक को अपने जाल में फंसाती है और जिस तरह से पुलिस को चकमा देती है, वो सब कुछ देखने लायक है। पहले सीजन की तरह इस दूसरे सीजन में भी आपको 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो सी का सीजन 2 भी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। पुलिस वाली हमें भूमिका परदेशी सीनियर कांस्टेबल रेयर रोड पुलिस स्टेशन। नंबर 3, नाइनर्स। अगर आपने मनी हाइस्ट सीरीज देखी है और आप कुछ उसी तरह की सीरीज देखना चाहते हैं, तो आपको ये तेलुगु क्राइम थ्रिलर सीरीज नाइन हार्स जरूर देखनी चाहिए। 9 घंटे के अंदर 3 कैदियों को एक ही बैंक के 3 अलग अलग ब्रांच में चोरी करनी है और फिर 9 घंटे के अंदर उसी जेल में वापस जाना है। 2 ब्रांच में चोरी हो जाती है लेकिन 1 ब्रांच के चोर फंस जाते हैं। पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और फिर सस्पेंस और थ्रिल से भरी कहानी स्टार्ट होती है। 9 आवर्स एक इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज में अजय आपको एक खास रोल में नजर आएंगे। टोटल 9 एपिसोड है जिन्हें आप डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर हिंदी में भी देख सकते हैं। आप लोगों ने अंदर आने की कोशिश की तो ये लोग हमारी जान ले लेंगे सर। नंबर 2, महाभारत मर्डर्स। महाभारत मर्डर्स एक बंगाली थ्रिलर सीरीज है जिसकी कहानी एक सीरियल किलर के इर्द गिर्द बुनी गई है। एक सीरियल किलर जो एक एक करके लोगों को बुरी तरह से मार रहा है। कहानी इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है कि ये सीरियल किलर कौन है, क्यों ये लोगों को इतनी बुरी तरह से मार रहा है और जिन लोगों को ये मार रहा है वहां पर वो महाभारत के रेफरेंस क्यों छोड़ रहा है। दूसरी तरफ IPS ऑफिसर रुखसाना कैसे इस केस की तहकीकात करती है। कहानी काफी जबरदस्त है जो सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। अगर आप थ्रिल से भरी सीरीज देखना चाहते हैं तो ये सीरीज आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं। इस सीरीज में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। बेवजह शक के घेरे में आ गए। नंबर 1, सूडल। तमिल क्राइम थ्रिलर सीरीज सूडल की कहानी एक छोटे से टाउन में बेस्ड है। यहाँ पर एक बड़ी सी सीमेंट फैक्ट्री है जिसमें अचानक से एक रात आग लग जाती है। उसी रात यूनी लीडर समोगम की बेटी को कोई किडनैप कर लेता है। केस की तहकीकात स्टार्ट होती है और एपिसोड दर एपिसोड कई बातें सामने आती हैं। तो क्या सच में नीला को किसने किडनैप किया है और उसी रात में फैक्ट्री जलने और नीला के किडनैप होने का क्या राज है। काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसके एंड में कुछ ऐसा है जिसके बारे में शायद ही आपने सोचा होगा। कथीर आर प्रतिभान, ऐश्वर्या राजेश और श्रेया रेड्डी ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। तो सीरीज काफी अच्छी है जिसे आप सबको जरूर देखनी चाहिए। टोटल 8 एपिसोड है और ये सीरीज Amazon प्राइम पर अवेलेबल है। एक पावर की तरह घूम घूम कर आखिर में इसने बच्ची को जी जान भी चूस ली है। तो दोस्तों, ये थी कुछ नई क्राइम थ्रिलर सीरीज जिन्हें आप सबको जरूर देखनी चाहिए। और अगर देख लिया है तो कौन सी सीरीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।